नमस्कार दोस्त, आज फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा कि इस प्रकार की हमको कोई एंगल दिखाई देता है तो इसमें हम किस प्रकार की हम क्वांटिटी को निकालते हैं, जिसमें दिखाया हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ पीसीसी ट्रायंगुलर शेप। मतलब ट्रायंगुलर शेप आ जाती है तो उसमें हम पीसीसी कितनी आती है, कितनी क्वांटिटी आती है, हम किस प्रकार से निकालते हैं। हमने ये थोड़ा सा एंगल ये बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। इस प्रकार का हमने एंगल बनाया है और इस प्रकार की ये शेप है तो इसमें किस प्रकार का हम कैसे इसमें मटेरियल निकालते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। इससे इसकी मतलब इसकी लेंथ है 2.5 मीटर एंड 90 डिग्री का ये बना दिया एल्गोरिथम किया 25 मीटर। तो चलिए हम चलते हैं। इसकी थिकनेस ऑफ पीसीसी मतलब इसकी हमको मोटाई डालनी है 100 mm, समझ रहे हैं। तो इसका बेस कितना हो गया, बेस हो गया 2.5 यानी कि 25 मीटर। ये 2.5 नहीं, 25 मीटर है, ठीक है। तो कितना भी आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने ये समझाने के लिए कितनी भी हो सकती है। और इसमें रेशियो, हम रेशियो किसका लेकर 1:48 मतलब पीसीसी का 15 का ये रेशियो ले लेते हैं। और जी सॉरी 1:48 ये होता है M7.5। तो ये हमने रेशियो लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर लें, पहले हम सम ऑफ रेशियो इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में वॉल्यूम पीसीसी एरिया इनटू थिकनेस, मतलब एरिया इसकी और थिकनेस कितनी है। एरिया एरिया हम किस प्रकार से निकालते हैं, 1/2 इनटू बीएच कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, इस प्रकार से निकल जाता है। और वॉल्यूम पीसीसी 1/2 बेस हो गया इनटू ए इनटू थिकनेस। चलिए 1/2 25 इनटू बेस हो गया, एरिया भी यही हो गया, इनटू थिकनेस 100 mm यानी कि 0.100 मीटर हो गया, ये 100 mm था। तो इसे करने के बाद में इतना ये हमारा मीटर क्यू आ रहा है। इस प्रकार से हम इसमें निकालते हैं। अब हमसे सेंड सीमेंट एग्रीगेट निकालना है तो पहले हमको ड्राई वॉल्यूम करना पड़ेगा, 1.54 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और उसे करने के बाद हम सीमेंट सेंड एग्रीगेट, मैंने पिछली वीडियो बना दिया है, जो वीडियो बना दिया किस प्रकार से निकालते हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जब तक के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।